गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर कल्पना चौहान, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ डॉक्टर कल्पना अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखते हैं इक्वेटर रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, मकर रेखा जिसको हम कैप्रिकॉन लाइन कहते हैं, और कर्क रेखा जिसको हम कैंसर लाइन कहते हैं, ये कौन कौन से देशों से गुजरती है। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ऊपर है यूरोप, इधर है एशिया, नीचे है ऑस्ट्रेलिया, और ये सबसे नीचे है आपका अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। इन महाद्वीपों में से किस किस से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है, आज ये देखते हैं। सबसे पहले है भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित देशों से गुजरती है। सबसे पहले है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश, नंबर 1 गालपागोस, नंबर 2 इक्वाडोर, नंबर 3 कोलंबिया, नंबर 4 ब्राजील। अब हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मैप में देखते हैं। ये देखो गालपागोस है, ये इक्वाडोर है, ये कोलंबिया है, और ये क्या आपका ब्राजील है। अब है अफ्रीका महाद्वीप के देश, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। सबसे पहले है गैबोन, जायरे, कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। अब हम अफ्रीका महाद्वीप के मैप में देखते हैं। जैसे है गैबोन है, ये जायरे है, ये कांगो है, ये युगांडा है, और ये सोमालिया है। तो इतने देशों से, 6 देशों से अफ्रीका महाद्वीप के गुजरती है। अब है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में है मालदीप, यहाँ आप नीचे देखो ये मालदीप है, फिर है आपका इंडोनेशिया, किरीबाती। अब एशिया महाद्वीप के मैप में देखते हैं, ये देखिए मालदीप है, ये इंडोनेशिया है, और ये क्या है आपका किरीबाती है। अब है आपकी कर्क रेखा, जिसे कैंसर लाइन कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और यह वह रेखा है जिसके ऊपर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं गुजरती है। ये उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है और एक काल्पनिक रेखा है, और जिसके ऊपर कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं चमकती है। कहने का मतलब है कि कर्क रेखा, मकर रेखा वो रेखाएं हैं जिसके ऊपर, यानी कि कर्क रेखा से ऊपर कभी भी सूर्य लंबवत नहीं चमकेगा, और मकर रेखा से नीचे कभी भी सूर्य लंबवत नहीं चमकेगा। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों से गुजरती है। सबसे पहले हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश, जिसमें हैं हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहामास। अब हम नॉर्थ अमेरिका के मैप में देखते हैं, ये आपका हवाई द्वीप है, ये मैक्सिको है, और ये आपका पूरे का पूरा ये क्या है आपका बहामास है। अब है आपके अफ्रीका महाद्वीप के देश, जिसमें सबसे पहले है पश्चिमी अफ्रीका, दूसरा है मोरितानिया, तीसरा है अल्जीरिया, चौथा है नाइजर, पाँचवा है माली, छठा है लीबिया, सातवां है चाड, और आठवां क्या है आपका मिस्र। ये देखिए सारे के सारे देश हैं जहाँ से ये आपकी गुजरती है। एशिया महाद्वीप के देश जहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, सबसे पहले है सऊदी अरब, यूएई जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, और आपका क्या है चीन और ताइवान, इन देशों से गुजरती है। अब हम एशिया महाद्वीप के मैप में देखते हैं, यहाँ देखिए ये सऊदी अरब है, ये यूएई है, ये ओमान है, ये भारत है, ये आपका बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये चीन है, और ये क्या आपका ताइवान है। इतने देशों से आपके एशिया महाद्वीप से गुजरती है। आपकी मकर रेखा, जिसे कैप्रिकॉन लाइन कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में खींची गई रेखा को मकर रेखा कहते हैं, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत किरणों के लिए खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, और जिसके नीचे सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं चमकती है। कहने का मतलब है कि कर्क रेखा और मकर रेखाएं वो रेखाएं हैं, कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे कभी भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं चमकती हैं, और कर्क रेखा मकर रेखा में खड़े हुए व्यक्ति की हमेशा परछाई बनती है, और कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे खड़े हुए व्यक्ति की कभी भी परछाई नहीं पड़ती है, क्योंकि कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत चमकती हैं, इसलिए आपकी परछाई बनेगी। और कर्क रेखा से ऊपर मकर रेखा से नीचे कभी भी आपकी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं चमकती हैं, इसलिए आपकी कभी भी परछाई नहीं पड़ेगी। मकर रेखा निम्नलिखित देशों से गुजरती है। सबसे पहले है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश, जिसमें है आपका चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। ये दक्षिण नीचे है चिली,
ये देखो अर्जेंटीना, ये है पराग्वे और ये क्या आपका ब्राज़ील। अब है अफ्रीका महाद्वीप के देश। अफ्रीका महाद्वीप के देशों में है सबसे पहले नामीबिया, फिर बोस्वाना, फिर दक्षिणी अफ्रीका, फिर है दक्षिणी अफ्रीका, फिर है मोजाम्बिक, फिर क्या आपका मेडागास्कर। तो ये आपके नामीबिया, देखो इस मैप में देखेंगे, मैप में देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के में, ये नामीबिया है, ये बोस्वाना है, ये दक्षिणी अफ्रीका है, ये मोजाम्बिक है और ये मेडागास्कर है। इन देशों से गुजरती है, ठीक है। अब है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से आपकी कौन सी गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। तो इस तरीके से आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती हैं। और अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि इक्वेटर, कैप्रिकॉन और कैंसलाइन, यानी कि विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से। और ब्राज़ील दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिससे दो रेखाएं गुजरती हैं, एक है आपकी भूमध्य रेखा और दूसरी आपकी मकर रेखा, ठीक। तो इस तरीके से हम कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा को देखते हैं कि कौन कौन से देशों से गुजरती है। जय हिंद, जय भारत।